आकाश सोलंकी की प्रेस वार्ता, एससी एसटी स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर की प्रेस वार्ता। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो फैसले हो रहे हैं उससे दलित समाज आहत है। अन्य राज्यों के सर्टिफिकेट वाली महिलाओं को पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। पार्टी हमारे लिए बड़ी है, लेकिन समाज की आवाज उठाना भी जरूरी है। जिस मंच पर जरूरी होगा हम आवाज उठाएंगे। हमें आगे चुनाव में जाना है। सरकार में हमारे समाज का कोई मंत्री नहीं है। वहीं फोन टैपिंग विवाद को लेकर वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि जिन विधायक के फोन टैप हो रहे हैं वो सीएम को अवगत करवा चुके हैं। मुझसे पूछा जाएगा तो मैं पूरी जानकारी सीएम से साझा करूंगा। जब महिलाओं के सर्टिफिकेट बढ़ने की बात आई तो 3 साल से जो महिलाएं भटक रही थी उनको नहीं दिया गया, लेकिन ईडब्ल्यूएस और दूसरे जो हमारे आरक्षण दिया उनको तो जारी कर दिए गए सर्टिफिकेट के लिए दे दिया। उनके सर्टिफिकेट बनना भी शुरू हो गए। 1 साल से आरक्षण दिया और 1 साल में पिछले 3 महीने से उनके सर्टिफिकेट बनना जारी हो गए। अन्य विधायकों ने इस मामले को उठाया था, ऐसा नहीं उठाया था, और इसमें 70 विधायकों के लेटर जा चुके हैं। 70 विधायकों ने लिख के दे चुके हैं। तो जब 70 विधायक लिख के दे रहे हैं और कुछ चुनिंदा विधायक सरकार में फैसले करा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं कि सरकार में जिस जातियों ने वोट दिया है उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई भी नहीं है। सकता नहीं है जो हमारी एससी एसटी माइनॉरिटी के जो प्रश्न थे हम सिर्फ उन पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। कई लोगों ने इस तरह के माहौल चलाया कि फोन टेपिंग का मामला सबूका छेड़ दिया, तो ये सबूका कोई मेरा नहीं था छेड़ा हुआ। ये आलाकमान अगर चाहेगा तो मैं उस पर बात भी कर सकता हूँ, उन पर कह भी सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, सारी जानकारियाँ भी दूंगा जब मुझसे मांगी जाएंगी। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा वो नहीं है कि फोन टेप हुए थे या नहीं हुए थे। मुख्य मुद्दा ये है कि एसटी माइनॉरिटी के जो हमारे काम है, जो सरकार में हमारा शेयर बनना चाहिए, वो शेयर अभी तक नहीं है। अध्यक्ष जी से मिलने के बाद समाधान नहीं, मुख्यमंत्री जी के मिलने के बाद समाधान नहीं, चीफ सेक्रेटरी से मिलने के बाद में समाधान नहीं, तो समाधान होगा कहाँ से? समाधान क्यों नहीं होगा? अगर इनका समाधान नहीं होगा, जिन लोगों ने बिना खून पसीना बहाया है, तो कब समाधान करवाएंगे? इधर हमारे संवाददाता सुशांत पारिक ने वेद प्रकाश सोलंकी से बातचीत की और तमाम सवालों के जवाब लिए। राजस्थान में दलितों की सबसे बड़ी आवाज कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी बन चुके हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से स्टूडेंट जो हैं दलित समाज से खास तौर पर अपनी मांगों को लेकर वेद प्रकाश सोलंकी से मिलने आए हैं। वे जी बड़ी संख्या में स्टूडेंट आ रहे हैं, आज अगर हम बात करें जो लोग पहुंचे हैं क्या मुद्दे हैं, क्या डिमांड है? देखिए मुद्दे एससी एसटी के संबंधित जो मुद्दे हैं, जो जनरल मुद्दे हैं, जो हो जाने चाहिए थे। अब ये महिलाएं आई हैं राजस्थान से, सारे जिले से आई हैं, इनकी पोस्टिंग हो चुकी है। सिर्फ इस वजह से इनकी पोस्टिंग रुकी हुई है कि इनके यहाँ के राजस्थान के जहाँ ये शादी करके आई हैं वो सर्टिफिकेट नहीं बने, सिर्फ इस वजह से बेचारों की पोस्टिंग रुकी हुई है। ये वेट कर रहे थे और वेट कर लेते, लेकिन MBC EWS के सर्टिफिकेट जारी होना शुरू हो गए और इनके सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। इस वजह से परेशान होकर यहाँ से आए हैं ये लोग सारे के सारे। इसलिए सारी चीज़ें, कौन कौन सी पोस्टिंग इनको मिलनी चाहिए थी, कौन सी नहीं मिलनी चाहिए थी, ये ज़्यादा अपनी भावना खुद बता सकते हैं। कोर्ट का कुछ लग रहा है? नहीं, कोर्ट का कुछ नहीं। अगर कोर्ट का होता तो EWS को इनको नहीं दे पाते। लेकिन आप CS से लेकर मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुके हैं, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्या लगता है इतना बड़ा इशू है ये? अब इशू क्यों बड़ा बनाया जा रहा है कि जिनकी वजह से ये लोग बेचारे जिन्होंने वोट देके सरकार बनाई है, लिख चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं। ये देखिए, ये सबकी चिट्ठियाँ हैं, ये सब आंदोलन पहली बार नहीं कर रहे। ये देखिए कुछ जो महिलाएं हैं जिन जो अपनी समस्याएं लेकर आई, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? सर हम बैरोड से आए हैं, अलवर बैरोड से। हाँ। क्या है मुद्दा आपका? सर हमारा मुद्दा ये है कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, हमें यहाँ ज्वाइनिंग नहीं दी गई। किस पोस्ट के? रीट लेवल 2 में, इसलिए आए हैं। और इनको हमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा। हमारे मायके में हम SC कैटेगरी में आते हैं और यहीं पे भी SC कैटेगरी में आते हैं। फिर महेंद्रगढ़ में आए, हरियाणा में। सर क्यों, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? हजारों महिलाएं हैं सर, आज कुछ आ नहीं पाए। नर्सिंग की काउंसलिंग है, इस वजह से नहीं आ पाए। सर हजारों, कम से कम 1000 होंगे। स्कूल लेक्चरर, सारी भर्तियों में ये समस्या है। जब ये बताइए, शादी होकर यहाँ आ गई है, अब जब तलाक लेके अपने पीएड चली जाए, जब वोट देने का अधिकार है, मूल निवास यहाँ का है, तो ये महिलाएं खा जाएंगी। अब देखिए इसके अलावा भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हैं। मैं आपको कैमरामैन देव से कहूंगा एक तस्वीर दिखा दें। वेद प्रकाश सोलंकी के आवास के बाहर और भी कई समस्याएं लेकर छात्र आए हुए हैं। लोगों की परेशानी के समाधान के लिए आने वाले दिनों में
नई स्ट्रेटजी के साथ वो लड़ाई जो है जारी रखेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ जो इंसाफ होना चाहिए वो दिलाकर रहेंगे। कैमरामैन वेद देव के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।